स्टूडेंट्स, ये है आपका प्यारा सा चैनल पीसीबी क्लब। स्वागत है आपका और मैं हूँ सुमन मैम। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। हम लोग ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन और डॉल्टन्स लॉ जो थ्योरी थी वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सभी को पता है कि एटम जो है किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसको डाल्टन ने इंडिविजुअल भी कहा। तो जो एटम्स है, लाइक वाइज जैसे आपके घरों में ब्रिक होता है, एक एक ब्रिक को जब जोड़ के हम लोग बनाते हैं तो एक घर बन जाता है, पूरी वॉल बन जाती है। सेम वैसे ही कोई भी मैटर है तो उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, मान लीजिए वो एटम है, यानी कि एटम मिल के स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एटम है वो एक यूनिट हो गई और उससे आपका पूरा का पूरा मैटर तैयार हो जाता है। तो एटम आपका क्या कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल है, दैट कैन टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन होती है तो किसी भी एलिमेंट का जो पार्ट होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज एटम। तो एटम आपके बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, इनकी जो रेडियस है बहुत ज़्यादा ही स्मॉल होगी, साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। तो किसी भी एटम का साइज हम मेजर करते हैं उसकी रेडियस से, तो उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। अब जो ये एटॉमिक रेडियस होती है किसी एटम का साइज बताने के लिए, तो ये हम लोग लेते हैं नैनोमीटर में। अब नैनोमीटर आपको सभी को पता है बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट लेंथ का एक पार्ट है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर, ठीक है। तो जो आपका हाइड्रोजन एटम है ये स्मॉलेस्ट एटम है। हाइड्रोजन का एटम जो है वो स्मॉलेस्ट एटम होता है और इसकी रेडियस है 0.037 नैनोमीटर, यानी कि 0.037 10^-9 मीटर। तो जो एटम है यानी कि वो बहुत ही ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, क्योंकि उसकी रेडियस देख के हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि कितना स्मॉल हो सकता है। और जैसे आपका कार्बन है, इसकी रेडियस कितनी है, 0.077 नैनोमीटर, यानी कि 0.077 10^-9 मीटर। 0.074 नैनोमीटर आपकी नाइट्रोजन की रेडियस है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.074 × 10^-9 मीटर। कैल्शियम की है 0.197, यानी कि 0.197 × 10^-9 मीटर। तो इतनी स्मॉल रेडियस है, इतना स्मॉल साइज है कि हम लोग एक अच्छा पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर ले उससे भी हम लोग इसको नहीं देख सकते, एटम को नहीं देख सकते। अब एटम के साइज के बाद एटम के आते हैं सिंबल्स के बारे में। अब सिंबल होता क्या है, कोई भी चीज है उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टैंड करने के लिए कुछ ना कुछ साइन या ड्राइंग, कुछ ऐसे स्केच वगैरह मान लेते हैं। तो जब एलिमेंट के सिंबल की बात आए कि भाई इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो सबसे पहले डाल्टन ने दिया कि एलिमेंट्स के सिंबल कैसे होने चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, हर एक एलिमेंट का एक सिंबल दिया जिसमें ड्रॉइंग करनी थी, स्केच बनाना था। जैसे हाइड्रोजन का उन्होंने कुछ इस तरह दिया, एक सर्किल के अंदर एक डॉट रख दिया। कार्बन का एक पूरा ब्लैक डॉट बना दिया। ऑक्सीजन का सिंपल सर्किल दे दिया। फॉस्फोरस का, सल्फर का, प्लेटिनम का, तो इस तरह से उन्होंने कुछ सिंबल्स दे दिया। लेकिन अब इस तरह से ड्राइंग करना इजी नहीं था, रिमेम्बर करना भी डिफिकल्ट था, इनकन्वीनियंट था। तो एक साइंटिस्ट आए, जे बर्जीलियस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि कोई भी एलिमेंट है तो जो उसका नाम है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हम लोग सिंबल के तरह यूज करेंगे। जैसे आपका हाइड्रोजन है तो इसका हम H यूज करें, कार्बन है तो इसका C यूज करें, ऑक्सीजन है तो इसका O यूज करें। तो जे बर्जीलियस ने ये एक आइडिया दिया कि कोई भी एलिमेंट है उसका नाम का जो फर्स्ट लेटर है दैट कैन बी यूज एज अ सिंबल, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स है। ये जे बर्जीलियस ने कहा कि जो आपका एलिमेंट का नाम है तो उसका हम लोग फर्स्ट लेटर ले लेते हैं। तो या तो हम इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर चूज करते हैं, इंग्लिश नेम, या फिर उसका लैटिन नेम। अब
इंग्लिश नेम में जैसे हो गया आपका हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का हमने फर्स्ट लेटर ले लिया एच, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का हमने ले लिया ओ, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के जो नाम है इंग्लिश नेम उसमें क्या हुआ कि फर्स्ट लेटर कॉमन है, जैसे आपका हो गया कैल्शियम, कार्बन है ना, कॉपर, क्लोरीन, इनमें सबका फर्स्ट लेटर क्या हो गया सी, तो इसमें कंफ्यूजन हो गया, तो क्या किया गया कि भाई इनका फर्स्ट लेटर भी ले लिया जाएगा और जो सेकंड लेटर है या फिर थर्ड लेटर, आप फर्स्ट लेटर ले सकते हैं प्लस सेकंड या फिर थर्ड, यानी कि टू लेटर हम ले सकते हैं, आपको फर्स्ट लेना ही लेना है उसके बाद आप सेकंड या थर्ड ले सकते हैं। तो कैल्शियम का क्या लिया गया फर्स्ट और सेकंड लेटर, कार्बन में सिर्फ फर्स्ट लिया गया, कॉपर में फर्स्ट और सेकंड लेटर, क्लोरीन में फर्स्ट और थर्ड लेटर, तो इस तरह से ये नाम रखे गए। अब कुछ कंफ्यूजन आया, कुछ में क्या होता है हमें लर्न करने में प्रॉब्लम, सब सोडियम है तो सोडियम में हम बोलते तो है एस से, लेकिन यहाँ पर इसके लैटिन नेम जो है सोडियम का लैटिन नेम होता है आपका नेट्रियम, क्या होता है नेट्रियम, तो नेट्रियम से हमने लिया एन ए। तो कुछ आपके एलिमेंट्स हैं जिनके लैटिन नेम के फर्स्ट और सेकंड लेटर लिए गए हैं, और कुछ एलिमेंट्स के जो इंग्लिश नेम है उनका फर्स्ट और सेकंड लेटर लिया गया। ये है कुछ एलिमेंट्स के नाम जिनके सिंबल्स लिए गए हैं इनके इंग्लिश नेम से, जैसे हाइड्रोजन का एच हो गया, हीलियम का एच ई हो गया, बोरॉन का बी, लिथियम एल आई, मैग्नीशियम एम जी, नियॉन एन ई, आर्गन ए आर। अब आते हैं आपके कुछ नाम एलिमेंट्स के जिनका लिया गया है इनके किससे, जो इनके लैटिन नेम्स हैं। इनका लैटिन नेम है नेट्रियम, तो इसका सिंबल हो गया एन ए। पोटेशियम का लैटिन नेम कैलियम, तो इसको लिया गया के से। आयरन का लैटिन नेम फेरम, इसको एफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। कॉपर का लैटिन नेम है क्यूप्रम, और इसको सी यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सिल्वर का लैटिन नेम क्या है अर्जेंटम, इसको हम लोग ए जी से रिप्रेजेंट करते हैं। गोल्ड का ऑरम, ए यू हो गया इसका। लेड इसका नाम है लैटिन नेम प्लम्बम, इसको पी बी से करा हमने। टिन इसका लैटिन नेम है स्टेनम, तो ये हो गया एस एन। तो अब एटॉमिक सिंबल एटम का साइज के बाद आती है बात एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। अब किसी भी एलिमेंट का जो मास है वो क्या होगा एटॉमिक मास होगा, जैसे आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है आपका 1.673 × 10⁻²⁴ ग्राम। अब अगर हम इस मास की वैल्यू को अगर यूज करेंगे तो क्या होगा भाई, इतने स्मॉल और इनकन्वीनियंट कैलकुलेशन में यूज होगा अगर ये वैल्यू तो हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। तो क्या किया गया, कार्बन एटम जो कार्बन 12 एटम है उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट की तरह लिया गया, और जैसे हम लोग तराजू के लिए 1 केजी का वेट लेते हैं 2 केजी का स्टैंडर्ड वेट लेते हैं ग्राम या किलो, तो उसी तरह से केमिस्ट्री में एटम्स के मास के लिए हमने लिया कार्बन 12। अब जो कार्बन 12 है तो कार्बन का वो एटम है कार्बन का जिसमें प्रोटॉन कितने हैं आपके 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 और न्यूट्रॉन भी कितने हैं 6। तो जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक मास नंबर वो हम लोग लेते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर, तो आपके प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 ठीक, इलेक्ट्रॉन सेम उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन है, तो जो आपका एटॉमिक नंबर आया वो आ गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर यानी 6 प्लस 6 यानी कि 12। तो कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास नंबर आया वो कितना आया 12, यानी कि एग्जैक्टली 12 आया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में इसको ए एम यू भी लिख सकते हैं। नाउ डेज हम सिंपल यू भी लिखते हैं यूनिट, ठीक है।
तो इसका मास हो गया 12 यूनिट या 12 यू या 12 ए एम यू। तो कार्बन 12 का जो मास हुआ वो कितना हो गया 12 ए एम यू। तो अगर 1 ए एम यू की बात करें, 1 ए एम यू, तो क्या हो जाएगा इसका 1 अपॉन 12 पार्ट हो जाएगा, 1 अपॉन 12 ऑफ कार्बन 12, यानी कि कार्बन 12 का जो मास है उसका 1/12 पार्ट किसके बराबर हो जाएगा आपका 1 ए एम यू या 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का मास हो जाएगा 1 अपॉन 12 ऑफ सी 12, जो आपका कार्बन 12 का मास है उसका 1 अपॉन 12 पार्ट क्या हो जाएगा हमारा 1 यूनिट के बराबर। और इसको हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड मास माना किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करने में। तो हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट या ए एम यू इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। एक कार्बन 12 एटम का जो मास है उसका 1/12 पार्ट किसके बराबर हो गया हमारा एटॉमिक मास यूनिट के या एएमयू के या फिर 1 यूनिट के, यानी कि 1 यूनिट जो है आपका वो एग्जैक्टली इक्वल हो गया 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, यानी कि ऐसे आपका कार्बन है ये, इसके हमने 12 पार्ट कर दिए, ऐसे 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 12 पार्ट कर दिए, तो हर पार्ट कितना आ जाएगा 1/12 1/12 1/12 इस तरह 12 पार्ट हुए। तो 1 यूनिट किसके बराबर हुई, जो हमारा कार्बन एटम है इसके मास का 1/12 पार्ट बराबर। अगर जैसे आपका हाइड्रोजन है इसका मास हम लोग क्या करते हैं 1 यूनिट मेजर करते हैं, तो इसका मास 1 यूनिट है, यानी कि ये कार्बन 12 के जो मास है कार्बन 12 का उसका 1/12 पार्ट है। आपका जैसे ऑक्सीजन है इसका क्या है 16 यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा 16 × 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी कि जो कार्बन 12 एटम है उसके मास का जो 1/12 पार्ट है उसका 16 टाइम होगा हमारा ऑक्सीजन का मास। तो ऑक्सीजन इज 16 टाइम ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। जैसे आपका हुआ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना होता है आपका कितना है 24, तो यानी कि मैग्नीशियम जो है हमारा वो 24 टाइम्स होगा 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, यानी कि इससे 24 टाइम्स ज्यादा हैवी होगा जो 1/12 पार्ट है कार्बन एटम का उसका 24 टाइम हमारा मैग्नीशियम ज्यादा भारी होगा। अब जो मास है कार्बन 12 एटम का वो बाय एक्सपेरिमेंट ये निकाला गया था 1.9926 × 10²³ ग्राम, तो ये हमारे एक कार्बन 12 एटम का मास है। अब अगर हमें 1 यूनिट का मास चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब हमें कार्बन 12 एटम का जो मास है वो हमें पता है, तो इसका क्या करेंगे 1/12 से डिवाइड कर दिया हमने 1.9926 × 10²³, तो ये आता है आपका 1.6605 × 10²⁴ ग्राम। तो 1 यूनिट या फिर आप कह सकते 1 एटॉमिक मास यूनिट का जो वेट आया मास आया वो आया 1.6605 × 10²⁴ ग्राम। तो अगर हमें किसी भी एटम का किसी भी एलिमेंट के एटम का मास निकालना है तो हमें 1 amu 1 यूनिट का मास पता है, तो वो जितने यूनिट उसका मास होगा उसमें हम इसका मल्टीप्लाई करके उसका मास ग्राम में निकाल सकते हैं। जैसे आपका है ऑक्सीजन है, ठीक, ऑक्सीजन का क्या होता है
16 यूनिट, ठीक है, ये हमें पता है इसका एएमयू का पता है। तो हमें अगर ये मास निकालना है ग्राम में, तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट इसको तो हमें पता है 1.6605 × 10⁻²⁴ ग्राम। अब हम इसमें 16 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ग्राम में इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये तो हो गया आपका एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, जिसमें हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं कार्बन 12 एटम के मास का। सिंबल है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिंबल से हमें क्या क्या हेल्प मिलती है या क्या क्या चीज को ये शो करता है। अगर किसी भी एलिमेंट का सिंबल है तो हम बता सकते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है, जैसे हमारा कार्बन है तो ये सिंबल सी देख के हम बता देंगे कि ये एलिमेंट कौन सा है, आपका कार्बन है। वन एटम ऑफ एलिमेंट, अब ये एक सिंबल हमें क्या दिखा रहा है कि एलिमेंट का एक एटम है, ये एक सिंगल एटम है। वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट, जो आपका सिंबल है वो हमें ये भी शो करता है कि उस एलिमेंट के वन मोल ऑफ एटम है। वन मोल एटम का मतलब है आपका 6.022 × 10²³ एटम। अगर आपका वन मोल दिया है किसी भी एलिमेंट का तो इसका मतलब है कि उसमें आपके 6.022 × 10²³ एटम्स प्रेजेंट होंगे। डेफिनेट मास ऑफ द एलिमेंट, और जो आपका सिंबल है उससे हमें उसका डेफिनेट मास भी पता चल जाता है। तो ये है आपके सिंबल के सिग्निफिकेंट। तो आज हम लोगों ने एटम्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, एटम का सिंबल, उसका मास, उसकी रेडियस, सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, और आगे इसमें आपका काफी न्यूमेरिकल्स भी हैं जिसमें मोल और रेशियो और काफी चीजें हैं, तो ये हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर आज कहीं भी ऐसा कुछ था नहीं वैसे टॉपिक, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन पर लिखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए कुछ और नया और कुछ अच्छे से अच्छा, जितना अच्छा रिप्रेजेंट कर सकती हूँ उतना करूँ। तो ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।